ब्लैक फंगस के कहर की। बिहार में ब्लैक फंगस कहर बनकर टूट रहा है। सूबे में इस नए रोग ने मुसीबत खड़ी कर दी है। ब्लैक फंगस ने सोमवार को राजधानी पटना में 5 मरीजों की जान ले ली और इसमें से IGIMS में 4 और PMCH में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया है। इसके साथ इस बीमारी से राज्य में मरने वालों का आंकड़ा 28 हो गया। सोमवार को बिहार में ब्लैक फंगस के 18 नए संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही पटना के अलग अलग अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या 250 के पार यानी कि 252 तक पहुँच गई है। ब्लैक फंगस का कहर जारी है। सोमवार को 5 लोगों की इस बीमारी ने जान ले ली है। सबसे बड़ी बात यह है कि IGIMS जो हॉस्पिटल है जहां पे ब्लैक फंगस के इलाज होते हैं, इस हॉस्पिटल में भी जान गई है। IGIMS में 4 मरीज हैं, वो इस बीमारी से दम तोड़े हैं। तो PMCH वहां भी 1 लोगों की मौत हुई है। बताया जाता है कि अब तक 28 लोगों की जान यह बीमारी ले चुकी है। सोमवार को 18 ऐसे मरीज थे जो इस संक्रमण से ग्रसित पाए गए हैं। राजधानी पटना में विभिन्न हॉस्पिटलों में अब तक कुल 252 मरीजों का इलाज चल रहा है या कह लीजिए कि संक्रमित हुए हैं। अब देखना होगा कि इस बीमारी से बिहार सरकार किस तरीके से निपटती है और कब इस बीमारी से लोगों को राहत मिल पाती है। कैमरामैन फिरोज के साथ नवजीत चिमड़िया, पटना। बिहार में भी ब्लैक फंगस का मामला बढ़ता जा रहा है। इसके ज्यादातर मामले गांव से सामने आ रहे हैं। संक्रमित मरीजों में सबसे ज्यादा मामला आंखों के संक्रमण का है। डॉक्टर्स के अनुसार गांव में खुद से आइसोलेट हुए मरीजों में स्थानीय स्तर पर ऑक्सीजन लेने में साफ सफाई की कमी और स्टेरॉयड के ओवरडोज से ब्लैक फंगस का मामला बढ़ रहा है। राजधानी पटना में ब्लैक फंगस से संक्रमित मरीजों का इलाज सरकारी निजी अस्पताल में किया जा रहा है। इन मरीजों में 60% मरीज आंखों के संक्रमण से जबकि 40% मरीजों में नाक और मुंह संक्रमित है। संक्रमण ब्रेन तक पहुंचने पर मामला गंभीर हो रहा है। ऐसे मरीजों को संभालने में चिकित्सकों को काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कई मरीज ICU में गंभीर अवस्था में हैं। पटना में IGIMS, एम्स, PMCH और साथ ही तमाम अस्पताल में ब्लैक फंगस से संक्रमित लगभग 500 मरीज आए हैं, लेकिन यहाँ आ रहे 30% मरीजों को ही भर्ती किया गया है। बाकी को दवा इंजेक्शन देकर OPD में उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर ब्लैक फंगस के लिए कोरोना संक्रमित मरीजों में स्टेरॉयड के ओवरडोज के साथ ऑक्सीजन देने में साफ सफाई की कमी को मुख्य वजह बता रहे हैं। कोरोना का जब इन्फेक्शन आ रहा है उसमें आप जो RT-PCR का स्वैब टेस्ट करते हैं और नाक में से जितना सारा टेस्ट करते हैं तो नाक में वायरस बहुत ज़्यादा लोड फैला हुआ है। तो इसके वजह से नेसल इम्यूनिटी जो होता है, नाक का नॉर्मल इम्यूनिटी, वो बहुत कम हो गया है। उसके वजह से जो साइनसेस है, एयर कैविटी, मतलब हमारा ये वाला हड्डी के पीछे वाला हिस्सा, तो उसमें फंगस नॉर्मली भी होता है पर उसका जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है अभी नाक का इम्यूनिटी से कम हो रहे हैं से, तो इसके वजह से पहले नाक से स्टार्ट हो रही है वाला। बिहार में अमूमन कोरोना काफ़ी केसेस घट गया है, लेकिन साथ ही ब्लैक फंगस बहुत तेज़ी से बढ़ा और ये ज़्यादातर गांव वाले इलाके से आ रहा है जहाँ की संभवतः जो क्वैक्स हैं वो काफ़ी मात्रा में स्टेरॉइड्स का यूज़ किए हैं और ओवरडोज के चलते इनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है। हम अपने IGIMS के आंकड़े को देखें तो हमारे यहाँ आज के डेट में सिर्फ 48 मरीज वैसे हैं जो सिर्फ कोविड पॉजिटिव हैं, बाकी 103 मरीज आज के डेट में फंगस पॉजिटिव, ब्लैक फंगस के मेरे पास ऑलरेडी एडमिटेड हैं और ये नंबर्स और बढ़ने की संभावना है और इनको लगातार ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। कम से कम 15 दिन तक दवाई चलना मस्ट है। ये पोस्ट कोविड इन्फेक्शन बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं और उसमें फंगल इन्फेक्शन जो है कि एक बहुत ही गंभीर समस्या है। कोविड होने के बाद फंगल इन्फेक्शन लंग में हो सकता है ना, ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन लंग में भी होता है तो पेशेंट को कफ के साथ प्रेजेंट करेगा, हेमोप्टिसिस हो सकता है या पेशेंट जो है आपका फीवर के साथ प्रेजेंट कर सकता है। इवन GIT इन्वॉल्वमेंट भी देखा गया है ब्लैक फंगस इन्फेक्शन में, लेकिन मोस्ट कॉमन जो साइट है वो आपका हेड एंड नेक है। ब्लैक फंगस के 60% मामलों में राजधानी पटना में जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें आंखों में संक्रमण देखा जा रहा है और ज़्यादातर केस जो है वो ग्रामीण इलाकों से राजधानी पटना में आ रहे हैं और जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में जो खुद से इलाज हुए हैं और उसमें स्टेरॉयड की ज़्यादा मात्रा और साफ़ सफाई की कमी इसकी
बड़ी वजह चिकित्सक बता रहे हैं।